नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मवीर स्तिजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। गेहूं में आखिरी पानी कब लगाना चाहिए हमेशा से ही एक मुश्किल डिसीजन रहा है। पानी की जरूरत नहीं और हमने पानी लगा दिया। गेहूं गिर भी सकती है क्योंकि ऊपर बालियों में वजन ज़्यादा होता है। थोड़ी सी हवा चली और गेहूं गिर गई। कई बार तो जमीन के साथ बिछ जाती है। ऐसे में 2 से लेकर 4 क्विंटल का नुकसान हो सकता है। और अगर पानी नहीं लगाया और गेहूं में पकने की अवस्था में पानी की जरूरत है तो दाने छोटे पड़ जाएंगे, पैदावार कम हो जाएगी। तो इसमें कुछ बातें बड़े ध्यान देने वाली हैं कि आपकी जमीन किस तरह की है। हम सबको अपनी खेत का पता होता है, बिजाई का समय क्या है, वैरायटी कौन सी है, कद क्या है। ज़्यादा बड़े कद वाली हो तो उसका गिरने का भी डर रहता है, छोटी हो तो कोई डर नहीं रहता। हवा की गति क्या है आजकल, ये जो मार्च का महीना होता है ना, इसे कहते हैं होलियों की हवाएं चलती हैं। हवाएं चल भी रही हैं, पीछे 12 तारीख को तो ज़्यादा तेज भी चल पड़ी थी, आगे 18 मार्च को फिर एक WD आने है, तब भी मौसम खराब हो सकता है। सिंचाई की बारी किस दिन की है, मतलब हमारी पावर जो है ना दिन में कब आएगी, रात को आएगी या दिन में आएगी। दिन में आएगी तो हम छोटे क्यारे बना रखे हैं तो एक एक क्यारे को थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं ताकि जमीन जल्दी पी जाए। एक एकड़ में कितने क्यारे बना रखे हैं इसका भी बहुत फर्क होता है। अगर एक एकड़ आपने 2 ही क्यारे बना रखे हैं तो ज़्यादा पानी देना पड़ेगा तो गिरने के चांस ज़्यादा है। एक बात तो क्लियर है कि गेहूं की बालियों में, दानों में जो दूध भरता है ना, जो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। मैं आपको एक स्टडी भी दिखाऊंगा जिसमें पानी लगाने के समय और पैदावार में बढ़ोतरी में क्या सामंजस्य है, क्या तालमेल है, सब डिस्कस करेंगे। लास्ट में 3-4 इंच ही पानी लगाना चाहिए। ज़्यादा पानी लगाने से ना बीमारियों का घर ही होता है, येलो रस्ट भी आने का चांस होता है। अगर हमारी ज़मीन ना ज़्यादा रेतली है और ना ही ज़्यादा चिकनी मिट्टी वाली है, मान ली कि जिसको बोलते हैं ना लोमी सॉयल, दोमट मिट्टी, अगर वैसी मिट्टी है तो हमें जो है ना आखिरी पानी दूध पूरा भरने के बाद जब दाने थोड़े थोड़े सख्त होने लगते हैं तब लगाना चाहिए। मान ली कि दूध पूरा भर जाए, मिल्किंग स्टेज आ, ये जो स्टेज आप देख रहे हैं ये मिल्किंग स्टेज है, इसके थोड़ा सा बाद हमें लगा देना चाहिए जब दाने थोड़े थोड़े सख्त होने लग जाते हैं। इस समय लगाया वो पानी है ना जो गेहूं पकने तक रूट जोन में रहता है और पौधे को अवेलेबल रहता है। और अगर मान लो अगर हमारी ज़मीन बहुत हल्की है, रेतली ज़्यादा है, तो तब हमें पानी लगाते रहना चाहिए। लास्ट पानी जो है ना दाने जब थोड़े सख्त और ज़्यादा सख्त के बीच की स्टेज हो, दूध भरने के बाद जब थोड़े सख्त हो जाते हैं और ज़्यादा सख्त हो जाते हैं तब लगा देना चाहिए। और अगर हमारी ज़मीन थोड़ी सी चीकनी मिट्टी वाली है, भारी मिट्टी है, जैसे कि मेरी ज़मीन है, तो दानों को दूध पूरा भरने तक आखिरी पानी लगा देना चाहिए। ये जो स्टेज है ना देखो, इस समय अभी दूध भरा जा रहा है, पूरा दूध नहीं आया है इसमें, तो मेरी ज़मीन जो है ना पानी को ज़्यादा देर तक सोख कर होल्ड कर रखती है। तो मैं फानों को आपको बताया है कि भाई आग बिल्कुल नहीं लगाता, मेरी ज़मीन को मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ना वो ज़्यादा है। तो मैंने आखिरी पानी जो है आज से देखो ये 4-5 दिन पहले मैंने आखिरी पानी लगा दिया था इस खेत में, अपने हिसाब से तो लगा दिया है। अब एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब बालियाँ सिट्टे सिट्टे जो है बिल्कुल सारे के सारे हरे से ब्राउन हो जाएं, ये बाद की स्टेज आएगी, कम से कम 15 दिन बाद आएगी ये स्टेज, ये जो आप खेत देख रहे हो, जब सारे के सारे सिट्टे भूरे हो जाएँ, ब्राउन हो जाएँ, तब पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप देख रहे हो ये जो ऑन्स होते हैं इसके, ये आंस है, ये ऊपर वाले, ये जो इसको ज्वारे बोलते हैं, एक ये तो सबसे पहले भूरे होते हैं और पत्ते के ऊपर वाली नोक होती है जो, ये भूरी होती है। आप इससे कंफ्यूज ना हो, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जब ये जो ये सारा का सारा सिट्टा है पूरा का पूरा ब्राउन हो जाएगा तब आपको पानी बिल्कुल नहीं लगाना है। ये जो आप टेबल देख रहे हो ना, ये एक रिसर्च हुई थी फैसलाबाद में, उसमें क्या हुआ था कि आखिरी पानी जो है 115 दिन पर लगाया था, 120 दिन पर, 125 दिन पर, 130 दिन पर, 135 दिन पर लगाया गया था। और ये जो है नंबर ऑफ फर्टाइल टिलर्स काउंट किए गए थे और एक सिट्टे के अंदर कितने दाने भरे गए थे वो काउंट किए गए थे। 1000 दानों का क्या वेट था, मतलब मोटे दाने होंगे तो उनका वेट ज़्यादा होगा, और फिर पैदावार क्या हुई थी, मतलब पानी लगाने के समय के और पैदावार के ऊपर क्या असर पड़ा था। तो आप देख रहे हो 115 दिन के ऊपर लगाई गई थी तो इसमें 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की आई थी, और ये 120 दिन पे और लगभग 38 क्विंटल, 125 दिन पे 41 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, और 130 दिन पे ये फिर 39। और एक और इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है
135 दिन पे 30 मार्च को जब ये पानी लगाया गया था तो इसकी जो है एवरेज जो है वो 36 क्विंटल ही रह गई थी। कुल मिला के मार्च के एंड तक 25 मार्च तक, 20-25 मार्च तक हम पानी लगा सकते हैं। डिपेंड करता है कि भाई गर्मी कितनी है और क्या सीन है। तो ये इसमें बहुत क्लियर हो गया है कि पानी जो है ना, हमारा लास्ट पानी जो है ना, बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है कि पैदावार के लिए। अब कई मेरे किसान दोस्त जो है ना, काफ़ी लेट तक भी पानी लगाते रहते हैं कि अगली फसल में इसी बत्तर का फ़ायदा उठा लेंगे। देखो आपने पिछली उसमें देख ही लिया है कि ज़्यादा लेट पानी लगाने से पैदावार में कमी एक आ सकती है। हाँ एक बात और ज़रूरी है, देखो जो हमने लास्ट लेट लगाई है वैरायटी, 5 दिसंबर की बिजाई के बाद जो भी हमने बिजाई की है उसको हमने 10 अप्रैल तक पानी लगाते रहना है। ये यहाँ पर लेट बिजाई में तो लगा सकते हैं, लेकिन टाइमली सोन क्रॉप में मार्च एंड तक, मतलब 25 मार्च तक आपको पानी लगा के निपटा देना चाहिए। तो ये जो आप दाने देख रहे हैं ना, ये मेरी 12 दिसंबर की बिजाई है। खेत के बीच में ही खड़ा हूँ। आज हवा थोड़ी सी तेज़ थी, कल हवा थोड़ी सी कम है, लाइटली मोड पे है, तो कल हम इसको पानी लगाएंगे। फिर इसके बाद अगर गर्मी बढ़ गई तो 10-12 दिन के बाद फिर पानी लगा दूंगा, और फिर 10-12 दिन के बाद फिर पानी लगा दूंगा। 5 अप्रैल तक इस पर 3 पानी और लग जाएंगे। सब कुछ डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। हाँ एक और बात है, अगर हमने जो है ना चौथा पानी जो है ना 80-85 दिन पे गाभे की स्टेज पे, फिर उसके 20-25 दिन बाद फिर हमने पानी लगा दिया पांचवा पानी, तो छठा पानी जो है ना 115 से 120 दिन की स्टेज पर लगा देना चाहिए, इसी को लास्ट मान लेना चाहिए। एक ना सीनियर वैज्ञानिक थे टोरियन, उन्होंने कहा था कि समय की बिजाई हो, अच्छी ज़मीन हो, अच्छा खाद पानी वाली गेहूं की फसल में मीडियम मिल्क स्टेज, मतलब कि जो दूध भरने वाली अवस्था है उस पे आखिरी सिंचाई करते हैं तो भी हमारी गेहूं की फसल की पैदावार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब कि तेज़ हवा में पानी बाद में ना लगाएं, फसल गिरनी नहीं चाहिए। अगर हमने दूध भरने की अवस्था में पानी लगा दिया है तो हमारी पैदावार भरपूर ही होगी। आजकल तो मौसम का हाल देखकर ही आखिरी पानी लगाना चाहिए कि हवा की गति जब लाइट हो ना, कम हो, तभी लगाओ। और एक एकड़ में अगर 4 से 5 क्यारे बना रखे हैं तो इसका फायदा आपको पहला पानी भी कम देना होता है और आखिरी पानी में भी बहुत फायदा होता है। हमारे कंट्रोल में रहता है, जितना आप पानी लगाना चाहते हैं उतना ही लगा सकते हैं, फसल गिरती नहीं है। गिरने से बहुत नुकसान हो जाता है, बनी बनाई इतनी मेहनत की हुई होती है, हमने बहुत पैसा लगाया होता है, समय लगाया होता है, 6 महीने की आमदनी होती है, तो सब कुछ देखते हुए भालते हुए हमें आखिरी पानी का डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।